जय गंगे माता। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 27 सितंबर शाम लगभग 6 बजे के आसपास की ये वीडियो है। आप माँ गंगे के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य हैं माँ गंगे की। निर्मल जलधारा लगातार निरंतर बह रही है और बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार हर की पैड़ी माँ गंगा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। शाम 6 बजे के आसपास आरती से थोड़ी देर पहले और जब तक आरती होती है हर की पैड़ी के जो दृश्य हैं हर एक व्यक्ति इन दृश्यों को देखना चाहता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों को आज माँ गंगे के दर्शन कराया जाए। तो ये नाई घाट के आसपास के दृश्य हैं, आप माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि गंगा जल में जो रेत की मात्रा है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और ये देख सकते हैं मेरे हाथ में इस समय गंगा जल है, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, अब ट्रांसपेरेंट जल दिखने लगा है। और धीरे धीरे लगभग 10 दिन में जो गंगा जल है वो पूरी तरह से उसमें रेत की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो बरसात है वो भी उसका सीज़न भी जाने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर है, लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे और वो यही पूछ रहे थे कि गंगा जल में रेत की मात्रा कम हुई है या नहीं। तो आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि गंगा जल में जो रेत की मात्रा है वो काफ़ी कम दिख रही है। तो और यहाँ पर आप माँ मनसा माता के दर्शन कर सकते हैं। ऊँचे पहाड़ों में माँ मनसा माता का मंदिर है जो सभी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो कमेंट में जय गंगे माता और जय मनसा माता ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये आरती से पहले के ये दृश्य आप इस समय देख रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आरती के लिए, आरती देखने के लिए यहाँ पर अपना स्थान ले चुके हैं और थोड़ी देर में माँ गंगे की आरती शुरू होने वाली है। और ये छोटी सी वीडियो है सिर्फ आप लोगों को ये खुशखबरी देने के लिए कि जो गंगा जल में रेत की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है और उसके साथ साथ आप दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित तो आप इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। दोस्तों कौन कौन इन दृश्यों को मिस कर रहा है और कौन कौन इन दृश्यों को लगातार देखना चाहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे तो ये दृश्य बहुत ही पसंद है, ख़ास तौर पर जब आरती से जो पहले के जो दृश्य हैं तब सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं और उसके बाद जो बाकी जो घाट है वो भी खाली दिखते हैं और यहाँ पर सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं तो जो दृश्य हैं और भी अच्छे दिखते हैं। और अभी जो ब्रह्मकुंड घाट के सामने के जो बड़ी जलधारा है वहाँ के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा और वो दृश्य और भी अच्छे आपको दिखेंगे। और ये देख सकते हैं जल का जो कलर है वो आपको दिख रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी खुशी होगी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आपको माँ गंगे के दर्शन कराने के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। कल आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो आने वाली है जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमें रहने के लिए एक अच्छा विकल्प और दो जो हर की पैड़ी के बिल्कुल पास हो। तो कल वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखना। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।